जमशेद जी टाटा, जिन्होंने टाटा ग्रुप्स की नींव रखी, इन्हें इंडियन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फादर भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में जमशेद जी टाटा के पूरे जीवन के बारे में। जमशेद जी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को नवसारी गुजरात में हुआ था। उनकी माता का नाम जीवन बाई टाटा और उनके पिता का नाम नुसरवान जी टाटा था। उनकी फैमिली पारसी समुदाय से बिलोंग करती थी और उस समय पारसी समुदाय में लोग बिजनेस नहीं किया करते थे। इसके बावजूद भी नुसरवान जी टाटा खुद की बिजनेस चला रहे थे। वो मुंबई में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे और जमशेद जी टाटा को बिजनेस में काफी ज्यादा रुचि थी। उसकी वजह से उन्होंने 14 साल की उम्र में ही अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन कर लिया। उन्होंने 1857 को अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कम्प्लीट करी और इन्होंने हीराबाई धाबो नाम की एक लड़की से शादी कर ली। अब जमशेद जी टाटा खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे तो उन्होंने 1868 में एक बंद पड़ी ऑयल मिल को खरीदा और उसे पूरी तरह से कॉटन मिल में बदल दिया। उन्होंने 2 साल बाद उस मिल को बेच दिया ताकि वो उससे अच्छा मुनाफा निकाल सके। फिर उन्होंने 1874 में और एक कॉटन मिल की स्थापना करी जो कि नागपुर में था। उनका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। उसी के बीच वो एक बार मुंबई के एक होटल में गए जो कि उस टाइम का सबसे ज्यादा लग्जरी होटल माना जाता था। वहां पर जमशेद जी टाटा को घुसने नहीं दिया गया और उस होटल के गेट पर लिखा था कि कुत्तों और इंडियंस को अलाउ नहीं किया जाएगा। ये बात से जमशेद जी टाटा काफी ज्यादा दुखी हुए और उन्होंने कहा वो इस होटल से भी अच्छा एक होटल बनाएंगे जो कि भारतीयों के लिए होगा। साथ में ही वो चाहते थे कि भारत में एक स्टील कारखाना और भारत में वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स हो। और दुख की बात ये है कि वो अपने जीते जी ये सारी चीजें पूरी नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने अपने जीते जी एक सपने को पूरा कर लिया जो कि था द ताज होटल को बनाना। और उस समय ताज होटल को बनवाने का खर्चा 11 मिलियन रुपए आए थे और उस होटल की ओपनिंग 3 दिसंबर 1903 को हुई थी, लेकिन 19 मई 1904 को जमशेद जी टाटा की मृत्यु हो गई। जमशेद जी टाटा की वजह से ही पूरा टाटा ग्रुप्स बन पाया। वो हमेशा चाहते थे कि भारत एक समृद्ध देश बने और टाटा ग्रुप्स भारत को एक समृद्ध देश बनाने में काफी बड़ा योगदान देता है।